अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। टुडे वी विल डिस्कस वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए फ्रॉम चैप्टर नंबर 15, दैट इज इनहेरिटेंस। वॉटसन एंड क्रिक दे वर टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एंड दे प्रेजेंटेड देयर वर्क इन 1953 एज एंड इट वॉज नेम्ड एज मॉडल ऑफ डीएनए एंड इट इज स्टिल कंसिडर्ड the most accurate structure of DNA. They basically told us about the composition of DNA and how it is responsible for all functions, controlling all functions of a cell. So what is DNA? The full form of DNA is deoxyribonucleic acid. Why it is called deoxyribonucleic acid? Nucleic acid, the word, this term comes from its discovery. The DNA was first discovered inside nucleus and it contains the a phosphate group which was labeled as phosphoric acid, so it was named as nucleic acid. But nucleic acids are also contain DNA as well as RNA. Components of DNA. DNA is a polynucleotide. It consists of two polynucleotide strands. पोलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? पोली स्टैंड्स फॉर मैनी, सो इट कंसिस्ट ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड ग्रुप्स। वट इज़ ए न्यूक्लियोटाइड ग्रुप? अ न्यूक्लियोटाइड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, अ फॉस्फेट ग्रुप, अ पेंटोज शुगर। पेंटोज मीन्स फाइव कार्बन शुगर और फाइव कॉर्नर्ड रिंग स्ट्रक्चर एज शोन इन दिस फिगर, एंड अ नाइट्रोजिनस बेस। अ नाइट्रोजिनस बेस इट मीन्स इट कंटेन्स nitrogen molecules as well as carbon and hydrogen. So a nucleotide is consist of all these three basic components, and DNA is a polynucleotide strand, so multiple nucleotides are present in one strand of DNA, and there are total two strands in a DNA structure. Nucleotides are building blocks of DNA and RNA, and here its composition is discussed. We call that Watson and Crick said that DNA is a double helix structure. Double helix means two strands are wrapped around each other in a form of helix. They form a helical structure. ये इस तरह एक दूसरे के अराउंड रैप हुए होते हैं और ये बीच में हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और हेलिकल स्ट्रक्चर ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में, इनमें बॉन्डिंग होती है और इनमें न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बीच में, इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं। और बेसिक जो स्ट्रैंड है, बैकबोन जिसे हम कह सकते हैं, वो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप हैं। ये जो ग्रे कलर आपको नज़र आ रहा है, इसमें यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट ग्रुप्स होंगे, और बीच में डिफरेंट कलर्स की नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो अटैच होती हैं, एंड देर आर फोर नाइट्रोजनस बेसिस। ये कॉन्सेप्ट भी वॉटसन एंड क्रिक ने ही दिया था कि डीएनए में फोर नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, थाइमीन, साइटोसिन, एडिनिन एंड ग्वानिन। थाइमीन और साइटोसिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हैं, जबकि एडिनिन और ग्वानिन डबल रिंग स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पे आप इनकी केमिकल कंपोजिशन भी देख सकते हैं। नाइट्रोजिनस बेसिस, और ये भी वॉटसन एंड क्रिक के मॉडल की ही में ही है कि नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं ये रैंडम अटैच नहीं होती हैं, इनकी अटैचमेंट जो है वो स्पेसिफिक होती है। लाइक एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ ही पेयरिंग करती है। एक स्ट्रैंड में अगर एडेनिन प्रेजेंट है तो सेकंड उसके सामने थाइमीन जो है उसके सामने अटैच होगी, और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एडेनिन और थाइमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ग्वानिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं विद साइटोसिन। सो देर इज स्पेसिफिक पेयरिंग इन बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। अब ये बेस पेयरिंग दिखाई हुई है कि एडेनिन और थायमिन जो है, इनके स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, और यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन और थायमिन में टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, सो यहाँ पे एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड दिखाए हुए हैं थायमिन और एडेनिन में, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये दोनों स्ट्रैंड्स के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। सो स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि एडेनिन ग्वानिन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकती, ना ही थायमिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना सकती है। थायमिन हमेशा एडेनिन के साथ बॉन्डिंग करती है, और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ बॉन्डिंग करेगी। फंक्शन ऑफ डीएनए,
अभी हमने स्ट्रक्चर देखा, हम अब फंक्शन, बेसिक फंक्शन की बात करेंगे। डीएनए करता क्या है? डीएनए बेसिकली इट इज़ दी ब्रेन और कंट्रोल सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ये पूरे सेल के सब फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और ये कैसे कंट्रोल करता है? इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन होती है करेक्टर्स और ट्रेट्स की, जो आपके पेरेंट्स से आती है। पेरेंट्स के करेक्टर्स और ट्रेट्स जो हैं वो डीएनए की फॉर्म में आपके पास इंफॉर्मेशन सेव होती है, और वो डीएनए से इंफॉर्मेशन कॉपी होकर हमारी डिफरेंट ट्रेट्स बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्किन कलर, आई कलर, हमारे ब्लड ग्रुप और इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें जो है वो डीएनए कंट्रोल करता है। एंड डीएनए इज़ कंट्रोलिंग ऑल दी ट्रेट्स बाय मेकिंग प्रोटीन्स, प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन सिंथेसिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फंक्शन ऑफ डीएनए। अब जो प्रोटीन्स हैं वो बेसिक टू टाइप्स की हो सकती हैं। कुछ प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल होती हैं, स्ट्रक्चरल रोल मीन्स लाइक प्रोटीन्स इन योर हेयर एंड प्रोटीन्स ऑफ नेल्स, ये डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर्स बना रही हैं। प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सो डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं। और कुछ फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं लाइक एंजाइम्स, एंजाइम्स दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, और ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करें, उनको स्पीड अप करें। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं ये डीएनए से बन रही हैं। सो इस तरह डीएनए को हम कह सकते हैं ये सेल की सब एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स ऑफ ए सेल और एज ए होल अ ऑर्गेनिज्म। सो हमारी डिफरेंट ट्रेट्स हैं, हमारी जो डिफरेंट जो हैं कैरेक्टर्स हैं, वो डीएनए कंट्रोल कर रहा है। और डीएनए में वो सारी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से आती है। सो इट इज़ ए हेरिडिटी मटेरियल एज वेल। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।